गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS। पहले के 5 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में कवर हो चुके हैं, अब ये उसके बाद की कहानी है जो कि आपके एनुअल में एग्जाम में पूछी जाएगी और कुछ पार्ट आपका हाफ ईयरली का भी रहेगा। ठीक है, इससे पहले की क्लास में आपने HTML के बारे में कभी नहीं पढ़ा है ना कभी सुना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है, दो चैप्टर इसमें होंगे, दोनों क्लास एट्थ में ही आपको पढ़ाए जाते हैं। क्लास एट्थ में दो चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं, तीन चैप्टर हैं बल्कि, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, तीनों आपका HTML है। इससे पहले आप लोगों ने MS Access के बारे में सुना था। तो क्लास एट्थ में दो बड़ी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, एक MS Access, दूसरा HTML। और ये दोनों चैप्टर, ये दोनों जो दोनों टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक आपके क्लास 10th में एज इट इज़ यूज़ होते हैं। ठीक है, HTML जो है ये क्लास 10th में मेजर पार्ट यूज़ होगा, मतलब समझो कि क्लास 10th में अगर 50 नंबर का पेपर आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो उस बोर्ड एग्जाम के 50 नंबर के पेपर में 30 नंबर का आपका सिर्फ HTML होता है, 30 नंबर का HTML होता है, 10 नंबर का आपका होता है MS Access से, और 10 नंबर का बाकी जितना भी और है थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पार्ट उससे होता है। तो ये एक बहुत मेजर चैप्टर होता है और इसमें वहाँ पर कोड भी लिखना पड़ता है, इसमें कोड बनाया जाएगा, वो कोड भी आपको लिखना पड़ता है वहाँ पर। एग्जाम में भी आपको वहाँ पर एक वेब पेज दे दिया जाएगा, पेपर में ही बना होगा वेब पेज, उसका कोड लिखना पड़ता है, तो वो आ जाता है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ पार्ट भाई यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे समझ में आए। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, ये बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। वहाँ पर भी तीन बड़े बड़े चैप्टर हैं, तीन या चार चैप्टर हैं HTML के, और यही पूरा HTML आपका बोर्ड एग्जाम का मेजर पोर्शन कवर करता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आगे भी आपको उतना ही यूज़फुल होगा। भाई 10th तक तो आपको कंप्यूटर पढ़नी ही है, तो HTML से पीछा आपका नहीं छूट सकता। तो HTML आपको हर हाल में पढ़नी पड़ेगी, बिना पढ़े आप लोग कंप्यूटर का पेपर क्लियर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें बताने के पीछे रीज़न ये था कि आप लोग इसको सीरियसली लें, बिल्कुल इसको हल्के में ना पढ़ें कि हाँ चलो ऐसे ही है तो कंप्यूटर का है, कोई बात नहीं, रट्टा मार के पास हो जाएंगे। या रट्टा मार के पास होने वाला सिस्टम नहीं है इसमें, रटने वाला यहाँ चलो हो जाओगे, एर्थ में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, एर्थ में रट्टा मार के पास चल जाएगा, लेकिन जो भी चीज़ें एर्थ में पढ़ाई जाएंगी वो चीज़ें 10th में भी यूज़ होंगी, और 10th में वहाँ पर रटने से ज़्यादा इसको प्रोग्रामिंग जो उसके में जो कोड लिखे जाएंगे उन वो कोड्स पूछे जाते हैं, तो वो कोड्स अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कि मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना ज़रूरी था। अब HTML, देखो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS क्या होती है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले ये चैप्टर मेनली HTML के बारे में है, तो पहले HTML और HTML से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी बताई जाएंगी, CSS को बिल्कुल लास्ट में बता देंगे थोड़ा सा, क्योंकि CSS 10th में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी यूज़ होती है। ठीक है, तो वो यहां दिया तो है चैप्टर, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ उतना नहीं करना है आपके लेवल, यूज़ होती है, ऐसा नहीं है कि यूज़ होती नहीं है, लेकिन आपके लेवल से मतलब स्कूल के लेवल में उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। HTML क्या है पहले तो जानना ज़रूरी है। ये लैंग्वेज तो है, जैसे आप लोगों ने क्यू बेसिक पढ़ी है और लोगो पढ़ी है, उसी तरह से ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज तो है, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया है, जब भी क्यू बेसिक पढ़ाते हैं तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉरी ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, गलत वर्ड बोल गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो लैंग्वेज का यूज़ करके वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं या उस तरह की कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की जाती है, मतलब इनका यूज़ तो होगा लेकिन इनसे सॉफ्टवेयर नहीं क्रिएट होंगे, इनसे कुछ ऐसे वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, तो ये इसी इनको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और HTML एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है अभी तक एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेब पेज क्रिएट करने में किया जाता है, दूसरी कोई लैंग्वेज अभी तक बनी ही नहीं। चाहे वो वेब पेज फेसबुक का वेब पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का वेब पेज हो, चाहे वो आपकी कोई और वेबसाइट का वेब पेज हो, चाहे वो आपकी स्कूल की वेबसाइट का वेब पेज हो, ये सारे वेब पेज HTML में ही क्रिएट होते हैं। फेसबुक जैसी वेबसाइट जो हैं उनमें सिर्फ उनके जो वेब पेजेस हैं वो HTML में क्रिएट होते हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड में वर्क चल रहा है वहाँ पर और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। लेकिन जितनी भी कंप्यूटर पर चीज़ें आपको दिख रही हैं, कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जो पेजेस आपको दिखाई देते हैं, उनके बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, उनके बैकग्राउंड में कहानी दूसरी है, जो पेजेस आपको दिखाई देते हैं वो सारे पेजेस आपके HTML में ही क्रिएट होते हैं। अभी तक कोई दूसरी ऐसी लैंग्वेज नहीं बनी है जो वेब पेज क्रिएट करने में काम आती है।
इसी का एक एडवांस वर्जन है DHTML, डायनामिक HTML, वो भी, लेकिन वो इसी का वर्जन है, कोई अलग नहीं है, दूसरी अलग कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जितनी भी ये जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी मतलब आप लोग लैंग्वेज पढ़ते हो, उसमें एकमात्र HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज क्रिएट करने में यूज़फुल होती है, बाकी और अभी नहीं है, कोई भी बनी नहीं है। और बहुत लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं लेकिन उनका यूज़ अलग अलग है, वो वेब पेज क्रिएट नहीं करती। XML भी एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आगे आपको पढ़ने को मिलेगी XML 10th में थोड़ी सी, तो वो XML से भी वेब पेज नहीं क्रिएट होते, उनकी कहानी भी दूसरी है। देखने में आपको HTML जैसी लगेंगी लेकिन वो वेब पेज नहीं क्रिएट, वेब पेज जितने भी वेब पेज, जितनी भी वेबसाइट आपने आज तक देखी है, कोई भी वेबसाइट हो, मैंने पहले भी बोला कि चाहे वो आपके स्कूल की वेबसाइट हो, SD कॉलेज की वेबसाइट हो, चाहे वो किसी और स्कूल की वेबसाइट हो, चाहे वो फेसबुक की वेबसाइट हो, जो वेब पेज आपको दिख रहे हैं, जो पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ HTML में ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं आती है। इसको डेवलप किसने किया था? टिम बर्न, जो वर्ल्ड वाइड वेब जिन्होंने डेवलप किया था, टिम बर्नर्ली, उन्होंने ही HTML को डेवलप किया था। उन्होंने पहले वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट दिया, उसी के बाद उन्होंने HTML डेवलप की जिससे कि वेबसाइट बनाई जाए। देखो, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब अलग अलग है। मैंने पहले बताया था कि इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब रन करता है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि वेब पेजेस का कलेक्शन जो है, वेबसाइट जिसे हम कहते हैं, वो उस इंटरनेट के थ्रू रन करता है, हमें दिखाई देता है। वो वेब पेजेस बनाने के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई थी, इसको ये वो लैंग्वेज थी HTML। इसी लैंग्वेजेस के थ्रू सारे वेब पेज, उस टाइम पर सारे वेब पेज इसी के थ्रू बनाए जाते थे। अब तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती, लेकिन अभी भी वेब पेजेस क्रिएट करने में HTML का ही यूज़ होता है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड वाला सिस्टम है, जो चीज़ें उनकी बैकग्राउंड में चल रही है, जैसे आप फोटो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो वहाँ पर HTML नहीं काम करती, वहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस काम करती हैं, वहाँ का सिस्टम अलग है। लेकिन जो नॉर्मल वेबसाइट है जिनमें आपको सिर्फ पेजेस दिखाई देते हैं, जिनमें आप कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकते, कोई चीज़ें टिक नहीं कर सकते, वहाँ प्योर HTML का यूज़ होता है और साथ में एक दो चीज़ों का और यूज़ होता है, लेकिन लैंग्वेज में वहाँ प्योर HTML का ही यूज़ होता है। जैसे स्कूल की वेबसाइट है, वो पूरी प्योर HTML में बनी है, उसमें कोई फॉर्म फिलिंग का सिस्टम नहीं है, वहाँ प्योर HTML में ही सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। तो जो भी, या जैसे आपको याद हो, आप एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है विकिपीडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है HTML का, वो पूरी वेबसाइट HTML में बनी है। जितना विकिपीडिया पे जो आप कंटेंट देख रहे हो, पूरा पेजेस दिखाई दे रहे हो, वो सब कुछ हमारा, अगर विकिपीडिया आपने नहीं देखा है तो आप उसको इंस्टॉल ज़रूर करो अपने मोबाइल में और उस पर चीज़ें देखा करो, बहुत अच्छी चीज़ें उसमें आती हैं। कोई भी टॉपिक डालोगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और हिंदी में भी हम उसे कर सकते हैं, हिंदी का भी उसमें ऑप्शन आता है कि हम सेम इन्फॉर्मेशन को हिंदी में भी कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी यूज़ ना किया हो विकिपीडिया तो ज़रूर यूज़ करना, और यूज़ किया है तो अच्छी बात है, उसको यूज़ करते रहना चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस पर है किसी भी इंसान के बारे में। तो वो जितना भी विकिपीडिया पे जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है, वो सब कुछ HTML में डेवलप हुआ है। ठीक है, इसमें जो कोड लिखा जाता है, इसमें कुछ कोड लिखा जाएगा, जैसे आप लोग QBasic में कोड लिखते थे वैसे ही कोड इसमें लिखे जाते हैं, कि इनके कोड को एक नाम दिया गया है, इनके कोड का एक नाम है, उसको बोलते हैं टैग। उस कोड को एक नेमिंग की गई है, उसको बोला जाता है टैग। ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं देखने में, ये जो भी आपको दिख रहा है ये HTML टैग, इनको टैग्स कहा जाता है, TAGS टैग्स। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको राइट हैंड साइड पे, इसको बोलते हैं, यही पूरा HTML टैग है। ठीक है, सबसे पहला टैग होता है HTML। यहाँ दो दो पेयर में होते हैं, नॉर्मली ये पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे HTML टैग, HTML नाम, HTML में HTML नाम का सबसे पहला टैग जो यूज़ होता है वो होता है HTML नाम का ही। इसके अंदर दो और बड़े टैग होते हैं, हेड और बॉडी, और उसके अंदर और बहुत सारे टैग यूज़। यहाँ हर काम टैग के थ्रू किया जाता है, ये इसी तरह पेयर में होंगे और कहीं कहीं पे अकेला भी टैग होता है।
नॉर्मली 90% टैग्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, एक ओपनिंग होगा एक क्लोजिंग होगा। देखो HTML जो ऊपर लिखा है वो ओपनिंग टैग है और नीचे जो स्लैश के साथ HTML लगा है वो क्लोजिंग टैग है। उसी तरह हेड का, हेड ऊपर लिखा हुआ, हेड लिखा हुआ है वो ओपनिंग टैग है, मैंने उसको क्लोज नहीं किया वहाँ पे ये ब्रैकेट के थ्रू, तो गलती से वो हो गया है। तो ये ओपनिंग टैग होता है और जो स्लैश के साथ लिखा हुआ है वो क्लोजिंग टैग होता है। उसी तरह बॉडी जो है वो भी एक टैग होता है। तो HTML, हेड और बॉडी, ये तीन मेजर टैग होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे टैग यूज़ किए जाते हैं हर काम के लिए। कोई लाइन टाइप करनी है वेब पेज पे, मान लो हमें कोई एक लाइन दिखानी है वेब पेज पे बना के, तो उसके लिए हम दूसरा टैग यूज़ करेंगे। पैराग्राफ दिखाने उसके लिए हम कुछ और टैग यूज़ करेंगे। कोई इमेज हमको एक वेब पेज बनाना है जिसपे एक फ़ोटो लगानी है, तो उसके लिए हम कुछ और टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हर काम टैग के थ्रू होता है। तो ये कोड हैं, ये भी कोड हैं, लेकिन इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, इसको बोलते हैं टैग्स। सिर्फ HTML में और XML में और एक दो और जावा स्क्रिप्ट करके एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उनमें ये सिंटैक्स जो यूज़ किए जाते हैं, जो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, इनको बोलते हैं टैग्स। और बाकी लैंग्वेजेज में जो होते हैं उनको सिंटैक्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको टैग बोला जाता है। तो दो तरह के हमारे टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग जिसको हम लोग पेयर्ड भी बोलते हैं, और एक होता है एम्प्टी टैग जिसको हम लोग सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। एम्प्टी टैग में मतलब वहाँ सिंगल टैग यूज़ होगा, जैसे होता है इमेज IMG एक टैग होता है वो सिंगुलर होता है, मतलब वो अकेला यूज, सिर्फ उसमें ओपनिंग होगा क्लोजिंग नहीं होता है। और LI होता है, और भी है, HR है, BR है, BR टैग होता है, ठीक है, HR टैग होता है, आगे बताएंगे क्या 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 होते हैं, अभी तो सिर्फ नाम बता दे रहे हैं। ये सारे जितने भी नाम हमने लिए हैं ये सब सिंगुलर टैग है, मतलब ये इनका ओपनिंग होता है क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है इसका वो मुझे नहीं पता और ना ही कभी जानने की ज़रूरत है उसको, लेकिन बाकी जितने भी 90% टैग जो आपके होते हैं वो आपके पेयर में होते हैं, एक ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा। ओपनिंग वाले में स्लैश नहीं लगा होता है, क्लोजिंग वाले में हमेशा स्लैश होता है। और हर जितने भी इसमें कोड लिखे जाएंगे सब में ये तीन तो हमेशा रहते ही रहते हैं, HTML, हेड और बॉडी, ये तीनों रहते हैं। सबसे पहला HTML टैग होता है, उसके बाद हेड, HTML के अंदर ही हेड टैग होता है और बॉडी टैग होता है, ठीक है। इनका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे, जब इस तरह के टैग लिखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम इसमें बनेंगे, तो आपको बताएंगे किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे बुक में भी यहाँ पर है, देखो यहाँ पर जैसे ये बुक में है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आप लोग देखो यहाँ पर, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बना हुआ है। तो ये हेड लिखा हुआ है, HTML है, हेड के अंदर टाइटल होता है, फिर बॉडी। टाइटल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो आगे बताएंगे जब इसको तो प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो यहाँ आपको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से होता है। HTML टैग है, फिर हेड है, हेड के अंदर ही टाइटल है, फिर बॉडी है, बॉडी के अंदर और भी हम बहुत सारे टैग यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये इस तरह का वेब पेज क्रिएट होगा। ये जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है इसी कोड के थ्रू ये वेब पेज क्रिएट हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। इस पेज पे जो राइट हैंड साइड में है वो वेब पेज है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो इस वेब पेज का कोड है। तो ये इन्हीं टैग्स के थ्रू उसको बनाया गया है। ठीक है, इन्हीं टैग्स के थ्रू उसको क्रिएट किया गया है। तो ये अलग अलग बहुत सारे टैग्स होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इनको कैसे रन कराते हैं पहले हो जाते हैं। देखो ये जो भी ये टैग होते हैं, नोटपैड का नाम आपने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा छोटी क्लास में, इसमें नोटपैड का यूज़ होता है और वेब ब्राउज़र का यूज़। वेब ब्राउज़र मतलब जिसमें हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उसी का यूज़ होता है। चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग इसमें गूगल क्रोम का भी यूज़ कर सकते हो। तो नोटपैड और गूगल क्रोम के थ्रू ही हम सारा काम करेंगे यहाँ पे, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने मैंने नाम लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र हैं। तो कोई एक वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं और नोटपैड का यूज़ करते हैं। ये जितना कोड है जो भी ये लिखा जाता है ये नोटपैड में टाइप होता है पूरा, ठीक है। फिर उसको सेव किया जाता है फाइल एक्सटेंशन .txt फाइल एक्सटेंशन होता है हमारा नोटपैड का। फिर उसी सेम फाइल को हम लोग फिर से सेव करते हैं सेव एज में जाकर .html से। HTML फाइल का जो कोड होता है, जो फाइल एक्सटेंशन होता है, वो .htm या HTML होता है, ठीक है। .html से हम जब नोटपैड की फाइल को सेव कर देंगे तो वही नोटपैड की फाइल जिसमें कोड लिखा था वो वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये सारी प्रोसेसिंग कैसे होती है ये वर्ड्स से तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा। जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएंगे, इसके बाद जब वीडियो बनाएंगे तो वो प्रैक्टिकल वीडियो होगा, उस प्रैक्टिकल वीडियो में आप मतलब छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे उससे बता देंगे, और बाकी तो
कुछ इसमें दोनों चलेगा, इसमें एक बार आपको क्लास का वीडियो देंगे, एक बार आपको प्रैक्टिकल का वीडियो देंगे, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो नोटपैड में उसको हम बना, नोटपैड में सारा टैग टाइप किए जाते हैं, उसको सेव किया जाता है .txt में, उसके बाद फिर उसको फिर से सेव एज किया जाता है .वहाँ फाइल एक्सटेंशन txt हटाकर .html कर दिया। जैसे हम html करके उसको ओके करते हैं, वैसे ही वो जो कोड है वो वेब पेज के फॉर्म में बन जाता है, पूरा वेब पेज बन जाता है। यहाँ पर हमको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको उसको रन कराने के लिए, क्योंकि वो वेब पेज हमने अपने कंप्यूटर पर बना के रख लिया है, तो वो नॉर्मली किसी भी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में वो रन हो जाएगा। इंटरनेट की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, यहाँ हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, हमने उसको इंटरनेट के ऊपर नहीं डाला है। देखो, जब वेबसाइट क्रिएट होती है तो पहले वेबसाइट, जैसे स्कूल की वेबसाइट है, तो स्कूल की वेबसाइट आप लोग जो देख रहे हो वो कहीं ना कहीं पर सेव है। जिस कंपनी के थ्रू स्कूल ने वेबसाइट बनवाई है उसने उसको HTML में बनाया है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है, वहाँ से उस कंप्यूटर के थ्रू वो चल रही है। तो जो भी वेब पेजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं पे सेव होते हैं, जो फेसबुक पे भी पेजेस देख रहे हो कहीं ना कहीं पे सेव हैं, वो वहाँ से आप इंटरनेट के थ्रू आप उसे एक्सेस करके देख रहे हो। जैसे यूट्यूब वाले वीडियोज़ हैं, यूट्यूब के ये वीडियोज़ होते हैं, तो यूट्यूब पर हमने वीडियो बनाया, वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए और फिर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिए, अब वो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अब वो वीडियो आप जब चाहो तब देख सकते हो। तो सेम वही चीज़ वेब पेजेस के साथ भी है, कि ये वेब पेजेस बनाकर नेट से लिंक कर दिए गए हैं, तो अगर हम उसी को हम वेबसाइट कहते हैं तो हम कहीं से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वेब पेजेस आप बना हम लोग बनाएंगे या आपको बना के दिखाएंगे, वो इंटरनेट पर उसका यूज़ हम इंटरनेट से नहीं करेंगे, मतलब वो इंटरनेट के थ्रू आप उसे नहीं देख सकते, आप अपने ही कंप्यूटर पर बनाएंगे या लैपटॉप पर बनाएंगे और उसको आप अपने ही लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में बिना इंटरनेट का यूज़ किए उसे हम देख सकते हैं। तो उसका कोड लिखा जाएगा HTML में और फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा वेब पेज में, और उस वेब पेज को हम रन कराने के लिए वही बस गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें दिख रहा है, जैसे इस कोड में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कोड है सामने धुंधला पता नहीं क्यों आ रहा है, देखो ठीक करते हैं, हाँ देखो ये जो आ रहा है, ठीक है, ये जो कोड है जो लिखा हुआ है HTML हेड टाइटल, ये सब कुछ आपका लिखा जाएगा नोटपैड में, और उसको भी जब सेव करके हम वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वेब पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का वेब पेज आपको गूगल क्रोम में ओपन होकर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा कुछ होगा, और इसे मैं करके दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू, जैसे इस पे देखने से नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ें हैं, वो तो जब उस पे आप देखोगे मतलब वीडियो के प्रैक्टिकल वीडियो में देखोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या होता है। यहाँ तो सिर्फ ये बताना था कि HTML होती क्या है, HTML कैसे क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है, क्या होगा, क्योंकि ये आगे 3 चैप्टर चलेगी और 10th में भी बहुत यूज़फुल है, तो इसको इसलिए मेन आपको खाली बताने के लिए किया गया था इसका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप जब नेक्स्ट जब भी वीडियो देंगे तो उसमें आपको HTML का यूज़ करके दिखाएंगे, किस तरह से HTML का हम यूज़ करते हैं, किस तरह से नोटपैड में इसको टाइप करते हैं, किस तरह से उसको वेब पेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।